मिस्टीरियस वर्ल्ड के तमाम नाजरीन को मोहम्मद नबीद इब्राहिम का अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, करोड़ों डॉलर्स की तिजारत करने वाले रोशनियों के शहर कराची को अगर गौर से देखा जाए तो इसकी बंदरगाह की एक जानिब महज एक सड़क अबूर करने के बाद शहर की अमीर तरीन आबादी के महंगे तफरीही मकामात मौजूद हैं। बोट बेसन, नया अमरीकी सिफारतखाना, यहाँ तक के साबिक वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो, इनके शरीक हयात और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और इनके बेटे बिलावल भुट्टो की रिहाइशगाह बिलावल हाउस की इमारत दिखाई देने लगती है। और इसी बंदरगाह के जिना बुर्ज की दूसरी तरफ गुरबत और बेरोजगारी की कोक में जन्म लेने वाला जराइम का गढ़ लियारी मौजूद है। वो लियारी जहाँ कराची की सबसे कदीम मगर इंतहाई गरीब आबादियों का तवील सिलसिला है और जिसे जराइम की सल्तनत भी कहा जाता था। ये इलाका जहाँ फुटबॉल, बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट्स जैसे खेलों के लिए मशहूर है, तो वहीं मंशियात, असला और गैर कानूनी तिजारत या स्मगलिंग का सबसे बड़ा मरकज भी माना जाता है। कराची की सियासत में भी मुतहरिक और फ़ाल नज़र आने वाला ये इलाका, जहाँ गुज़िश्ता इंतखाबात में तहरीक लब्बैक को शहर में सबसे ज़्यादा वोट देने वाला इलाका था, तो वहीं माजी में मुल्क की सबसे रोशन ख्याल समझी जाने वाली वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का हल्का इंतखाबात भी रह चुका है। वो इन दिनों लियारी की हर गली की कहानी थी। यह रहमान बलोच का लियारी था, चाहे अब इसे सरदार अब्दुलरहमान बलोच कहा जाए या फिर रहमान डकैत। पुलिस अफसरान, कानूनी और सरकारी दस्तावेजात, अहले इलाका और शहर के सियासी रहनुमाओं की बात माने तो इस रहमान बलोच का लियारी, जिसने खुद अपनी माँ को कत्ल किया और इसके बाप के कत्ल में वो लोग मुलव्वस थे जो मंशियात, भत्ते, अगवा बराए तावान और इस जैसे जुर्म के धंधे में कोई मुखालफत बर्दाश्त नहीं करते थे, वो रहमान बलोच जिसने पाकिस्तान की मकतूल वजीर आजम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर कराची में 18 अक्टूबर 2007 को होने वाले हमले के बाद उन्हें इनकी ज़ाती रिहाइशगाह बिलावल हाउस तक बाहिफाजत पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाई। आप पूछ सकते हैं कि क्या एक ऐसा शख्स जिसे कुछ लोग मसीहा और समाजी रहनुमा कहते और समझते हों और कुछ हल्के गरीब इलाके का जराइम पेशा मंशियात फरोश मानते हों, इस कदर ताकतवर था कि साबिक वजीर आजम को अपनी हिफाजत के लिए इसकी मदद दरकार थी। पाकिस्तान, खुसूसन कराची के मखसूस हालात में इसका जवाब है जी हाँ। मगर ये कहानी लियारी की कहानी है, रहमान बलोच के गैंग, लियारी गैंग वॉर की कहानी, एक नहीं बल्कि कई नस्लों के दरमियान ताकत के हुसूल के लिए बेरहम कशमकश की कहानी। ये इलाका गिरी की उस हवस का किस्सा है जिसमें जिगरी दोस्तों के हाथों एक दूसरे के ख़ानदान कत्ल हुए, भाई जैसे साथियों ने एक दूसरे के सर काट डाले, साथ खाना खाते दोस्तों ने एक दूसरे को कत्ल किया और बचपन के पड़ोसियों ने एक दूसरे की लाशें तक इंतकाम की आग में जला डाली। नसल दर नसल मुंतकिल होने वाले जुर्म के इस धंधे की तारीखी पसे मंजर को कंघाला जाए तो कई किताबें लिखनी पड़ेंगी, लेकिन ये कहानी ड्रामाई मोड़ से शुरू की जा सकती है। ये मोड़ तब आया जब लियारी के इलाके कलाकोट की अफशानी गली के दो भाई शेर मोहम्मद उर्फ शेरू, रहमान बलोच के वालिद दाद मोहम्मद उर्फ दादल के मंशियात के कारोबार को फैलाने और ताकत हासिल करने के लिए अपना ग्रोह मुनज़्ज़म करना शुरू किया। दूसरी जानिब मंशियात ही के कारोबार से मुंसलिक इकबाल उर्फ बाबू डकैत का ग्रो भी इसी लियारी के इलाके कलरी और आसपास के मोहल्लों में फ़ाल था। फिर लियारी जैसी बड़ी आबादी का कौन सा इलाका किसके पास होगा और किस मोहल्ले में चर्स और अफीम जैसी मंशियात का कारोबार किसके कब्ज़े में होगा, यह रस्साकशी दुश्मनी का रंग इख्तियार करती चली गई। 2008 में लियारी में सुपरिटेंडेंट पुलिस तैनात रहने वाले फयाज़ खान के मुताबिक इसी ज़माने में हाजी लालू अपने 6-7 बेटों के साथ, जिनमें अरशद पप्पू और यासिर अरफात भी शामिल थे, एक मजबूत ग्रोह चला रहा था। हाजी लालू जहानाबाद में शेरशाह कब्रिस्तान के इलाके में अपना पथारेदारी, मंशियात और भत्ते का वो कारोबार चला रहा था जो आगे चलकर अगवा बराए तावान के मुनाफा बख्श धंधे से जुड़ गया। अंधे मुनाफे की इस जंग में शामिल तमाम फरीकों के दुश्मन तो बेहिसाब शुमार थे, मगर दोस्त सिर्फ एक था और वो था पैसा। यहीं से ताकतवर, दिलेर और ख़तरों का खिलाड़ी रहमान बलोच बेरहमी और कत्लो गारत के रास्ते का ऐसा मुसाफिर बना जिसने पहले तो अपनी माँ को नाजायज़ ताल्लुकात के शुबे में खुद गोली मार कर कत्ल किया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कत्लो गारत और गुंडागर्दी का बाजार गर्म कर देने वाले रहमान बलोच ने एक रोज़ बाबू डकैत को भी मारकर अपने बाप के कत्ल का बदला लिया
ये वो जमाना था जब रहमान बलोच का शुमार लियारी में जुर्मो सजा और कत्लो गारत गिरी के नाखुदाओं में होने लगा था। हाजी लालू के ग्रोह में रहमान बलोच और हाजी लालू के बेटे अरशद पप्पू और यासिर अराफात ने मिलकर जुर्म की सल्तनत को नाकाबिले तस्खीर बना दिया था। रहमान और हाजी लालू का ताल्लुक इस कदर गहरा था कि हाजी लालू के बेटे यासिर अराफात और रहमान दोनों की शादी गोली मार के सेठ यूसुफ की बेटियों से हुई। मगर जल्द ही कारोबारी हसद और एक दूसरे को नीचा दिखाने की खींचतानी में एक रोज रहमान की खटपट हाजी लालू और इसके बेटों से हो गई। रहमान को अंदाजा हो गया कि हाजी लालू के जेरे असर रहते हुए जुर्म की इस दुनिया में वो अपना अलग मकाम नहीं बना सकता। अपने ही ग्रोह में महाजराई के इस माहौल में रहमान एक रोज खुलेआम लालू की मुखालफत पर उतर आया और इसी गर्मा गर्मी ने लालू और रहमान की राहें अलग कर दीं। फयाज खान के मुताबिक महाजराई के इस रवैये ने दुश्मनी की शक्ल इख्तियार की तो लालू के बेटे अरशद पप्पू ने कलाकोट में रहमान को रास्ते से हटाने की कोशिश की। किस्मत का धनी रहमान बच तो गया मगर अरशद पप्पू के गैस का रुख इसके रिश्तेदारों की जानेब हुआ और अरशद पप्पू के हाथों रहमान के रिश्तेदार मारे जाने लगे। इधर रहमान ने बची खुची ताकत का इस्तेमाल करके जवाबन अरशद पप्पू के रिश्तेदारों पर हमलों का आगाज किया, जिनमें बलोच इत्तेहाद के रहनुमा और लियारी की मारूफ शख्सियत अनवर भाईजान जैसे मुमताज लोग भी मारे गए। इस जंग में अरशद पप्पू ने एक दिन बहुत ही फिल्मी अंदाज में हब चौकी के पास रहमान के चाचा को कत्ल किया। फयाज खान के मुताबिक पप्पू ने कत्ल से पहले फोन पर रहमान को बताया कि सुन, मैं इसको मार रहा हूँ, सुन, और फिर इसने रहमान के चाचा को कत्ल कर दिया। इसी दौरान अरशद पप्पू और इसके बाप हाजी लालू के ग्रोह ने चुन चुन कर रहमान के कारोबारी मफादात को भी निशाना बनाना शुरू किया। फयाज खान का कहना था रहमान को लियारी छोड़कर बलोचिस्तान जाना पड़ा और तब तक वापस नहीं आ सका जब तक अरशद पप्पू मेरे हाथों गिरफ्तार होकर जेल नहीं चला गया। कराची में तैनात रहने वाले एक साबिक पुलिस अफसर ने बताया कि अब लियारी गैंग वॉर ने एक ऐसी अंगड़ाई ली जिसने इस इलाके को आलमी तवज्जा खास करके जराए अबलाह का चटपटा मौजू बना दिया। इनके मुताबिक फैज मोहम्मद उर्फ फैजू नामी एक ट्रांसपोर्टर जो दरअसल चाकीवाड़ा के इलाके सेंगोलिन की झटपट मार्केट के करीब बलोचिस्तान जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के एक बस अड्डे का टाइम कीपर था। रहमान और पुलिस दोनों का ही पीटर माना जाता था, यानी बस मालिकान से भत्ता वसूल करके रकम रहमान और पुलिस के मकामी लोगों तक पहुंचाता था। वो रहमान का करीबी और ख़ास आदमी था और कई अरसे से इसके लिए भत्ता वसूली का काम करता था। अरशद पप्पू ने फैजू से कहा कि अब भत्ता रहमान को नहीं बल्कि हमें देना होगा। इनकार और मुखालफत पर इसका भी वही अंजाम हुआ जो लियारी जैसे इलाके में अरशद पप्पू या रहमान के मुखालफीन का होता था। अरशद पप्पू ने फैजू को अगवा करके कत्ल कर दिया और ये फैजू उजैर जान बलोच का बाप था। ये वही उजैर बलोच था जो शायद लियारी की तारीख का सबसे मशहूर नाम बना। लियारी में जुर्मो सजा की दुनिया का आलमी शोहरत याफ्ता किरदार उजैर बलोच, जिसे हाल ही में सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक फौजी अदालत ने जासूसी के जुर्म में 12 बरस की कैद भी सुनाई है। बहुत सी पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक उजैर अपनी जिंदगी के आगाज में जुर्मो सजा की इस दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रहा। वो लियारी जनरल अस्पताल में वार्ड बॉय की मुलाजमत करता था और उजैर का बाप तो इसे कराची पोर्ट ट्रस्ट केपीटी में फुटबॉलर की हैसियत से मुलाजमत दिलवाना चाहता था। साबिक एसपी लियारी फयाज खान का भी यही कहना है कि उजैर बहुत समझदार था। मुश्तरका दुश्मन अरशद पप्पू के हाथों उजैर के बाप के कत्ल के बाद रहमान ने उजैर को बिल्कुल वैसे ही अपनी सरपरस्ती में लिया जैसे कभी हाजी लालू ने खुद रहमान की सरपरस्ती की थी। लियारी की एक समाजी शख्सियत ने भी नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि 18 अक्टूबर 2007 को जब कराची के इलाके कारसाज के करीब बेनजीर भुट्टो के काफले पर बम हमला हुआ और 140 अफराद मारे गए तो यह रहमान बलोची था जो इस वक्त बेनजीर भुट्टो को बाहिफाजत क्लिफ्टन में वाकई इनके रिहाइश का बिलावल हाउस पहुंचा सकता था। मगर फिर वो वक्त भी आया कि रहमान बलोच और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात में दरारें पड़ गईं। कराची पुलिस के मुताबिक लियारी पर रहमान की गिरफ्त इस कदर मजबूत हुई कि इसने बिलाखिर लियारी की सियासी वारिस समझे जाने वाली जमात और मुल्क की हुक्मरान रहने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी धकेलना शुरू कर दिया। कौन काउंसलर बनेगा और कौन जिलाई नाजिम, ये फैसला भी रहमान बलोच की मर्जी के बगैर नहीं हो सकते थे। लेकिन लियारी के उर्दू आर्ट्स यूनिवर्सिटी के शोबा सहाफत के साबिक सरबरा
और फिर कराची यूनिवर्सिटी के शोबे अबलागे आमा में परसों तक सैकड़ों सहाफियों को तालीम देने वाले प्रोफेसर तौसीफ अहमद का कहना था कि लियारी गैंग वॉर के पसे पर्दा हकायक कुछ और थे। लियारी में पेश आने वाले वाकयात का सिरा ढूंढने के लिए आपको बलोचिस्तान जाना पड़ेगा। प्रोफेसर तौसीफ अहमद का मौकिफ है कि लियारी से कोसों दूर बलोचिस्तान की कौम परस्ताना तहरीक को लियारी से अलहदा रखने के लिए मुल्क की हमेशा और असली हाकिम रियासत और इसके इदारों ने लियारी में सियासत से जुर्म ख़त्म करने के बजाय हमेशा ये मौका दिया कि जुर्म सियासत पर गालिब रहे। 1973 में बलोचिस्तान में जब फौजी कार्रवाई का आगाज हुआ तो डर ये था कि लियारी कहीं बलोच मुजाहमती तहरीक का मरकज़ ना बन जाए, तो लियारी को अलहदा रखने के लिए रियासत के करता धरताओं ने इसे जुर्म की भट्टी में धकेल दिया। रियासत ने लियारी को गैंग वॉर के हवाले किया और पीपल्स पार्टी इसमें शरीक हो गई। पीपल्स पार्टी लियारी की वारिस थी, इन्होंने जदोजहद का रास्ता इख्तियार करने के बजाय आसान रास्ता इख्तियार किया। इन्होंने मुख्तलिफ अदवार में गैंगस्टर्स की सरपरस्ती की, नतीजे में ख़ुद पीपल्स पार्टी का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, यहाँ तक कि सियासत भी जराइम पेशा अनासिर की मोहताज दिखाई दी। मगर लियारी से पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक वजीर मुमलिकत पोर्ट्स एंड शिपिंग और मुख्तलिफ अदवार में लियारी और अजीज़ाबाद से रुकन सूबाई और कौमी असम्बली रहने वाले मारूफ सियासतदान नबील गबोल का मौक़िफ बिल्कुल मुख्तलिफ था। इनके मुताबिक पाकिस्तान के खुफिया इदारों की जानिब से लियारी गैंग वॉर में कभी कोई मदद नहीं की गई। गैंग वॉर के लोगों को जो सपोर्ट मिली वो हुकूमत और होम डिपार्टमेंट की जानिब से मिली। लियारी के लोग पाकिस्तान परस्त हैं, वहाँ कौम परस्त बहुत कम तादाद में है। एक वक्त आया कि पीपल्स पार्टी ने टिकट दिए, बल्दियाती इलेक्शन में अपने उम्मीदवार खड़े किए, मगर पीपल्स पार्टी हार चुकी थी और रहमान के हिमायत याफ्ता वो तमाम उम्मीदवार जीत गए जिनकी वाबस्तगी तो किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी से रही थी, मगर वो इलेक्शन रहमान की मदद और हिमायत से जीते। पीपल्स अमन कमेटी के नामवर रहनुमा और उज़ैर बलोच गैंग का सियासी चेहरा समझे जाने वाले हबीब जान बलोच भी प्रोफेसर तौसीफ की इस राय से कतन मुत्तफिक नहीं। इनके मुताबिक बलोचिस्तान के लोगों ने कभी लियारी के लोगों पर इनसार नहीं किया, बल्कि इन्होंने तो अपने लोगों पर भी इनसार नहीं किया। लियारी उस जगह का नाम है जिसको पूरे मुल्क की तरफ से नज़रअंदाज किया गया। बैंक और मालियाती इदारे तो लियारी का पता देखकर लोगों के अकाउंट्स खोलने में भी हिचकिचाते थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में जब फर्स्ट वुमेन बैंक कायम हुआ तो हद ये हुई कि इसकी लियारी की शाख का दफ्तर लियारी से मीलों दूर बहादुराबाद में कायम किया गया। कभी किसी बैंक ने लियारी के लोगों को क्रेडिट कार्ड तक जारी नहीं किया। मुसलसल नज़रअंदाज होने वाला लियारी इतने मजालिम और ज्यादती सहने के बाद बिलाखिर अपनी बका का फैसला खुद करने पर मजबूर हुआ। हबीब जान बलोच ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि माल ब्रदर्स गाड़ियों का अगवा और दीगर तरीकों से भत्ता लेने देने का धंधा तो एमकेएम की सरपरस्ती में कच्ची राबता कमेटी चला रही थी और नाम लिया जाता था लियारी गैंग वॉर का। लियारी गैंग वॉर को गैंग वॉर का नाम भी अल्ताफ़ हुसैन ने दिया था और यही गैंग वॉर इनके खिलाफ एक मजबूत दीवार साबित हुई।